Hi everyone, welcome to Easy Competitive Classes. In this video we will discuss practice set 24. Okay, so 24. So already I am going to discuss 1 row 23 jai je gura ke apan kor OCS exam ba OS exam pai helpful roibo. Okay, to je muni pratham thar pai channel ko visit karto to se sabu dekhi paribo. Each lecture ame ब्रीफली से जिन सब सब डिस्कस करूचो एवं तार रिलेटेड आ गोटे सूचना जो मॉक टेस्ट 1 रो भी मध्ये हमें ब्रीफली डिस्कस करूचो. ओके, तो से सब जिन सब जाई प्लेलिस्ट रु देखि परिवो. ओके, तो एठी होची पर्टिकुलरली हमें 24 डिस्कस करिवा. एठी होची किछि क्वेश्चन रखाई छी जेबडा कि बोथ एमएस एग्जाम पई मध्ये हेल्पफुल रहइबो. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. एटी कौन कह जाइए देखो, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर. ओके, तो किसी पेयर दिया जाइए एवं एमानक भितर से पचारि कौन कि दिया जाइए. लेफ्ट साइड रे देखा रीजन ऑफ टेन मेंशन इन द न्यूज, तो न्यूज रे सब बेले बारंबार बारंबार ये सब जिन आसूचे कहुचे. देन राइट साइड रे किसी कंट्री गुटा ना दिया जाइए. ओके, तो या बेसिस रे हमें देखी नवा तो केतटा पेयर मैच करूचे हमें ताको आइडेंटिफाई करवा कि आगे जानवा दरकार माने केतटा रोचे. ठीक ना, जमीक प्रथम तुम दिया जाइए कौन जो आंटालोनिया. ओके, तो अनाटोलिया, तो अच्छा ये हूँ देखो अनाटोलिया आ गोटे हूँ तुम काटालोनिया. क्लीयर, ये दुईटा जिनस सब न्यूज रे भी शुणु. तो अनाटोलिया कहले हूँ ये तार्किर किसी असुविधा नहीं. ओके, किंतु ये जो काटालोनिया कहले कौ जगार दैट इज रोचे स्पेन र. ओके, दैट इज रोचे स्पेन रो. देन आमरा जो दिखे आमरा जे इथियोपिया. ओके, तो ये ठीक अच्छे आमरा इथियोपिया. देन दे काबो जो तुम रोचे कौन डेलगाडो. ओके, तो काबो डेलगाडो जी आम देखा पार्टिकुलरली ये के तुम रोज स्पेन रो नुहे, ये हूँ मोजाम्बिकियो. ओके, क्लियर, तो ये हूँ कथा. तो ताहले ये के पेयर ठीक अच्छे जी आम देखा पार्टिकुलरली, तो ये भी भूल रहा, तो दुईटा पेयर ठीक रोचे ये. ठीक ना, तो दुईटा पेयर तुम रोचे ठीक रोचे. तो ऑप्शन कौटा हो, ऑप्शन बी विल बी मोर अप्रोप्रिएट आंसर. ओके, आउ ये पार्टिकुलरली जो आंटालोनिया कथा कह आंटाटोलिया. ओके, तो आनाटोलिया जो तुम कह ये कौनटा जेटी हूँ एशिया, एशिया माइनर कहा जाए. ओके, तो एशिया माइनर कहा जाए. ये हूँ कौन होता ना, ये हूँ देखो तुम पूर्वर जो आम कंटिनेंट गुड़ा एशिया कंटिनेंट को आ गए जो यूरोप कंटिनेंट. ओके, तो ये दुईटा रोचे कंजक्शन जगार ये हूँ प्रायत पड़े. तो से पूर्वर आनसेंट टाइम जब भी आम देखिया जगार, तो ट्रेडिंग फ्रेडिंग रे भी वन टाइप अफ कौन कह क्रसरोड टाइप रे जिनसटा था. ओके, तो ये हूँ जब आम मानने जो दुईटा जेहेतु कंटिनेंट रोटे मीटिंग पॉइंटा. ठीक ना, तो ये बहुत प्रकार माइग्रेटिंग हो किंबा आउ जहाँ भी तुम कनक्योर करवा पाई भी ये सब जिन हिस्ट्रिकाल भी बैकग्राउंड रही है बहुत जिनस. ठीक अच्छे, देन आमफरा कथा ये सब जानी आठ कहूनि. ठीक ना, अच्छा आ गोटे कथा ये आमफराटा जब देख पार्टिकुलरली गोटे पटर तार हो सुदान पटे भी लगे देख. ओके, तो बॉर्डरटा जब देख गोटे पटे तुम क्या सहित ना सुदान पटे लगे. ये जो काब्र जो कौच आम डेलगड. ओके, काब्र बा काबो डेलगाडो जो कहुचे, तो ये पर्टिकुलरली जो मोजाम्बिक रो ये जानव हो सीटे गोटे एथनिक ट्राइबा अच्छे से भी क्वेश्चन केत पचार. ओके, एथनिक ट्राइबा जोटा कि माकंडी. ओके, तो माकंडी ट्राइबा सीटी पर्टिकुलरली रही है. आमती नुहे एथनिक माइनोरीटी भी बहुत रही, जमी माकुआ कह मावनी कह ये सब ट्राइब भी जब पचारे कौ जगार पचारे ऑप्शन रे क्लिक करी परिबो. ओके, तो आई थिंक ये हूँ क्लियर हो तो. ठीक ना, आउ जो ये काटालोनिया ये तो बारंबार बारंबार न्यूज रे रही थी. ठीक ना, काटालोनिया कथा जब कह जो तुम सेपरिस्ट मुवमेंटा क्या सहित रिलेटेड से पचारि दिए सेपरिस्ट मुवमेंटा जो होता. ठीक ना, 17 सेंचुरी मुवमेंटा, तो ये हूँ क्या सहित रिलेटेड कहली दैट इज स्पेन. स्पेन पर्टिकुलरली जब कह आम काटालोनिया. ओके, आई होप ये क्लियर रहा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जावा. ये कौन कह जाए ना, ये किसी स्टेटमेंट दि जाइए कहार बेसीस रे ना, ये हूँ स्टेटमेंट रही है वाइल्ड लाइफ तुम प्रोटेक्शन जो बेसीस रही है. ओके, तो कनसीडर द इंडियन लॉ जो गुड़ा तार आधार में रही है, तो ता बेसीस स्टेटमेंट दि जाइए आमको पचारे कौन करेक्ट कौड़ा आइडेंटिफाई करने. ठीक ना, तो बेसिक पॉइंट रखा है कौन कौन देख,
वाइल्ड एनिमल आर हूँ सेल प्रॉपर्टी ओके कह गवर्नमेंट रो ये कथा कहुचे तो ऑब्वियसली जो आमर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो के 1972 रे जदि देखा ये प्रोविजन रही ओके तो ये वाइल्ड एनिमल जे माने भी रही सब आम या ट्रीट करवा वांटेबल सेल प्रॉपर्टी भाव में स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो और विभिन्न प्रोविजन तार रही ओके से भाया किसी ये नुहे ये ठीक हम पॉइंट देन जदि ये पचारे व्वेन ए वाइल्ड वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर प्रोटेक्टेड जिते प्रोटेक्टेड घोषित करागला तो से कौन कर साच एनिमल इज एंटाइटल फॉर इक्वल प्रोटेक्शन वेदर इट इज फाउंड इन हूँ प्रोटेक्टेड एरिया और आउटसाइड बाहर भी मिलतु किंबा जदि प्रोटेक्टेड एरिया भितर भी मिलते जदि घोषित कर दिखाई मानते से एनिमल को तो ऑब्वियसली सी आम हूँ इक्वल हो प्रोटेक्शन देवा दरकार तो ये कथा हूँ पर्टिकुलरली जी 1972 जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रे मेंशन होती बोली कहुचे ओके तो ये पॉइंट हूँ किसी सेमती डिस्क्रिमिनेशन हेनी ओके तो ये ऑब्वियसली ये पॉइंट ठीक हम आम जी देखा ये पॉइंट ठीक हम कि आ गोटे कथा देख जमती का प्रिवियसली देखी थोड़ा मुझे कही जिते बड़ी भी एनिमल गुड़ा ये देख पॉइंटा ये कौन लिखाई थर्ड पॉइंट ना आप्रिहेनसन अफ हूँ प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ बा वाइल्ड एनिमल बिकमिंग डेंजर के टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स हूँ कैप्चर एंड किलिंग अच्छा ता माने कहवा कथा जिते बड़े भी गोटे जीव को आम प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करुचे तो जहाँ भी है तो ये हूँ से वाइल्ड एनिमल जदि के मनुष्य पर डेंजर हो गला वन टाइप मुझे तो से ग्राउंडटा हिंसा मारे कैप्चर धरी रखापी वन टाइप आमर उद्दिष्ट हो सफिसीयंट हे कथ कौच ये किसी मानने कह देख जो भाया मुझे बुझे थी प्रिवियसली जे मैंने देखी थो तो से मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करी क्वेश्चन ठीक ना नहीं रिलेटेड जो सी बुझे बेले शेड्यूल जो तुम वन जो गुटा रोते ठीक ना नहीं तो ये गुटा ये खाली एप्लीकेबल किए मानक हम पर्टिकुलरली खाली केवल नुहेजे खाली ये डेंजर पर कैप्चर कर दिजो से क्षेत्र में ना ये प्रायली ओनली से एनिमल गुड़ाक दिजो जे गुड़ा कि तुम हूँ कौ मान ह्यूमन लाइफ को हूँ तुम तो डेंजर रोचे मान हूँ कहवा कथा आउ एमती भी किसी रोग कर एनिमल द्वारा एमती भी किसी रोग हो डीज जे गुड़ा कि रिकवरी करहबनी वन टाइप अफ ओके तो से एनिमल गुड़ाक भी कैप्चर करहब तो ये जेहेतु पर्टिकुलरली से कही दीजिए यहाँ ही केवल सफिशिएंट ग्राउंड सेमती किसी ना ओके तो आहरी भी जिनस रही तो ये केवल हेनी तो ये ऑप्शन सीटा एलिमिनेशन करें कौन हो ऑप्शन ए आउ बी हूँ मोर अप्रोप्रिएट आंसर ओके आई थिंक ये हूँ क्लीयर रहा ठीक ना नहीं तो नेक्स्ट जी तो ये सब बुझा पड़ू देन हाँ ये हूँ से किसी पचार देख सिंपल पढ़ पज कर और निज तरफ अटेंड करो सर्टेन स्पेसीस अफ हूँ ह्विज अफ द फलोईंग अर्गानिजम ओके आर हूँ ओलन एज हूँ कौन कहुचे से आपको ना दैट इज हूँ कल्टिवेटर अफ फंगी ओके तो फंजी भी कहीपार ये हूँ कौन मानने कौ जिनसा ये हूँ पिंपुड़ीटा कि नुहे ओके ये हूँ पखापाखि देख ये फंगस ग्रोईंग जेटा कि तुम पिंपुड़ीटा तो ओब्वियसली फुड पर्पज से जिनसा करते किसी से भाया ना ठीक ना नहीं तो ये कौ कंटिनेंट से जो कहली फुड पर्पज मैंने फंगस जो कल्टिवेशन करते यहाँ हूँ कौ ये पिंपुड़ीटा ये प्रजातिटा हूँ पाखापाखि कौ मान मैंने कह मिले कौ जगार जी कह ना ओब्वियसली ये कहे तुम आमेरिकन जे भी कंटिनेंट गुड़ा तो सीठ मिले आज तुम वेस्ट इंडीज्रे मिले ओके तो ये हूँ कथा तो ओब्वियसली ये हूँ क्लीयर रहा ठीक ना नहीं आज म्यूचुएसन भी रिलेसन रखी था तो से सब दरकार नहीं देन ये किसी एडिट गुड़ा दि जाइए ओके ये लेफ्ट साइड रे देखो साइट अफ हूँ अशोकन हूँ मेजर रॉक एडिट एंड राइट साइड रे लोकेशन गुड़ा दि जाइए ओके जे भाया धौली धौली हूँ ओडिशा समस्त जाच भुवनेश्वर ठीक ना नहीं देन इरागुड़ी कथ दिखाई तुम हूँ कौटी ना आंध्र प्रदेश देन हूँ जौगुड़ दिखाई कौटी ना मध्यप्रदेश केमती ये भी तो ओडिशा रो ठीक ना नहीं जौगुड़ इनस्क्रिप्शन बारंबार बारंबार रॉक एडिक्ट कथ पड़े ठीक ना नहीं ये तो आम जाचे समस्ते ओडिशार ठीक ना नहीं देन जब देखा कलसी कलसी एडिक्टा कही कर्णाटक ये भी कर्णाटक केमती ये उत्तराखंड रोटा ये हूँ उत्तराखंड रोटा ठीक ना नहीं तो ये हूँ कथा तो ये भूल होते पे ठीक है वन एंड टू ठीक है ठीक ना नहीं वन टू जी ऑप्शन दे था भी मारी था तो ना पेयर कही मार ऑप्शन भी आई होप क्लीयर हो
ठीक ना नहीं तो बेसिक बेसिक जिनस क्वेश्चन अच्छे आउ धौली कथ जमी आम जानी थो तुम धौली रक एडिक्टा तो ये हूँ कौन ये भुवनेश्वर पाखापाखि कहे आठ जे एडिक्टा मिलता जे रक एडिक्टा तो ये हूँ कौ लांगुएज लिखित था दैट इज रुचि पाली लांगुएज क्लीअर तो ये हूँ कथ आठ बहुत जिनस कलिंग वार कथ भी विभिन्न ये सब जिनस आम भी जाचे सब रिलेटेड रिलेटेड क्या सहित अशोक सहित ठीक ना तो ये हूँ कथ आरागुडीटा इरागुडीटा जे को रक एडिक्टा कथ कह ये पार्टिकुला जी मुझे कहि तुम हूँ आंध्र प्रदेश जो कुर्नूल कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट रे तो ये पार्टिकुलरली हूँ कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट इटि भी सेमती बहुत जिनस अशोक मानने मौर्य किंग जे किए थे तुम जो मौर्यर जो ताकर हूँ मैंने कौन ये एडमिनिस्ट्रेशन गुड़ा भी लिखाई है ठीक ना ये सब जिनस बेसीस तो रही था या कौन देन हूँ ये हूँ जो जौगड़ कथ कहली जौगड़ हूँ तुम्हें जान कि ये हाँ ये पचारिदेव जौगड़े जेटा था बोध तुम प्राकृति लांगुएज रहा जेटा कि ब्राह्मी स्क्रिप्टर ओके तो ब्राह्मी स्क्रिप्टर प्राकृतिक लांगुएज था तो ध्यान देवा दरकार आउ अशोक एडमिनिस्ट्रेशन जो पॉलिसी गुड़ा प्राय तो ये जो गोटर आम जानी था ठीक तो ये हूँ कथ आलसीटा जेटा कहे उत्तराखंड ये पार्टिकुलरली जब आम देखा तुम्हारे हूँ डेराडून आज कह रोटे मझा मझीरे ये हूँ जिनसा पड़ू थो देख ओके तो जमुनार रिभर हूँ सैड्रे बैंक तुम देखो ये ये इनस्क्रिप्सन रही था ये भी बहुत इंपोर्टेंट था तो ये ऑप्शन नंबर बी हो ओके तो आठ कहूनी दे नेक्स्ट जीवा इटि सिंपल कथा पचरा जाइए देख कि राजा नाम दि जाइए देन हूँ किसी रोचे डायनेस्टी गुड़ा कि दि जाइए ठीक ना नहीं तो एम भितर कौटा ठीक कौटा भूल से पचारे कौ के पेयर ठीक अच्छे पचारे आउ कि नहीं ओके तो ये सब छाड़ देन ये देखा जो ननुन को कहे आम ठीक ना नहीं तो ये हूँ कौ डायनेस्टर थे से कहे तो ये ओबियसली चांदेलार थे ठीक ना नहीं देन जयशक्ति कथ देखा ये हूँ केट का ना परामर ये हूँ के भूल हो दैट इज जयशक्ति जी आम देखा ये चांदेलार थे ठीक ना जयशक्ति ये चांदेलार थे मुझे देन ये जी देखा ये भूल होगा देन ये हूँ जो नागभट्ट कथा जब आम देखा नागभट्ट हूँ जी थे तुम कौटिहार तो ये हूँ गुजरपतिहारा ठीक ना नहीं ये ठीक अच्छे गुजरपतिहारा आम कहे ठीक देन हूँ ये ठीक हे देन हूँ भजटा जो कहे ये हूँ कौटकार ना भज किंग जब आम कह राष्ट्रपत ठीक हो ना सरी ये भूल हो पॉइंटा कारण भज ताक हूँ तो नाग जो तुम नागभट्ट देख प्रथम कथा चांदेला ये चांदेला कौच कौनटा यहाँ ये चांदेला यहाँ जो बुंदेलखंड रिजन कथा कही यूपी ए सैड्र बुंदेलखंड रिजनटा ठीक ना नहीं तो बहुत इंपोर्टेंट तो ये हूँ से आम रुचि जी देखा कौन होता ना प्राय तो चांदेला मैंने निजी को कौन मानुले से क्या डिसेंडेंट बोली मानने मानने जह्नर जत य टाइप रे कह जाए बन इन मुन ये टाइप रे मानुले तो यही विभिन्न थी एम प्रथम डायरेक्टली ना ये फेडरेटरी थे किए मानक फेडरेटरी थे ये जो गुजर पतिहारा मानक ये गुजर पतिहार मानक फेडरेटरी गुड़ा थे क्लीअर तो ये हूँ कथा जिते बमर कन्नजी पार्टिकुलरली थी जो गुजर पतिहारा तो से टाइम ये हूँ तुम्हार थिला तो ये बेसिक बेसिक जिनस या भितर को जाऊनि कारण ना बहुत लेंदी हे ये सब जिनस ठीक ना ये कम्प्लीटली सिक्वेन्स जिते पढ़ा ये सब जिन आहरी माइंड रे क्लिक रोक ये जी कह आम एते रही ये जयशक्ति कथ आम देखा देख जयशक्ति जयशक्तिटा किएटा जयशक्ति को जेजा कहला जेजा जयशक्ति आउ गए हूँ विजय शक्ति भिजा भिजा जेजा ये दीज तो ये दीज हूँ जी देखा ये मैंने हूँ ये चांदेला पावर टाक मैंने वन टाइप कौन कह से कनसोलीटेड करते मेनली से एराउंड हूँ तुम हूँ जो देख जे 800-850 पाखापाखी देख सेचुरी ये हूँ इंपोर्टेंट टी थी आ गुजर प्रतिहार को आगे कौन कह जाए तुम हूँ ये खाली भी मत तुम प्रतिहार बोली भी कह जाए के देख ओके तो ये हूँ टी इंपोर्टेंट तो आज किसी नहीं ये बेस बेस जिनस देखा दरकार नहीं किसी भोज किंग जे भाया तुम जानते हो मिहिर भोज ठीक ना मिहिर भोज ये भी क्वेश्चन आसे तुम देखित मिहिर भोज जे कि कहार ग्रांडसन थे मुझे जी कह दैट इज रोचे ये जो नागाभट्ट पार्टिकुलरली कौच टू यार हूँ ग्रांडसन थे ठीक ना तो से बहुत मिहिर भोज जे बहुत पपुलार मानने राजाटा थे पतिहार तो ये हूँ कथा आउ किसी से बढ़िया ना ठीक ना तो ये हूँ दुईटा हूँ हम आउ किसी नुह पेयर देख जाए आम देन एठी हाँ संगम लिटरेचर गोटे किसी आसी देख हुई जो नाउ द फलोईंग स्टेटमेंट एबाउट हूँ संगम लिटरेचर इन आनसेंट साउथ इंडिया ठीक ना नहीं तो एक्जिस्ट होता है संगम लिटरेचर तो ये हूँ प्रथम पॉइंट से पचारे इनकरेक्ट ना करेक्ट ना करेक्ट कथ आमको पचारे आइडेंटिफाई करने तो संगम पोएम्स आर हूँ डिवाइड ऑफ हूँ एनी रेफरेन्स टू तुम हूँ मटेरियल कल्चर
ଆଚ୍ଛା ସଙ୍ଗମର ଯେ ପୋଏମ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପୋଏମ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବୁଝେଇଥିଲି, ତ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ସେଇ ପୋଏମ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, ଏ ସେ ପୋଏମ୍ ସବୁବେଳେ ମୁକ୍ତ କେଉଁଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସେ କହୁଛି, ମେଟେରିଆଲ ଯେ କଲଚରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ ଏଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ। ମେଟେରିଆଲ କଲଚର କେମିତି ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ଜଣେ ଆର ସେଠାରେ ବହୁତ ମାନେ ସେ ମାନେ ସେଟଲିଂ ଗୁଡ଼ା ଆସିଯାଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ସେଠି ତୁମର ଫିସିଂ ହେଉଥିଲା, ଫିସିଂ ଥିଲା, କେଟେଲ ବେୟରିଂ ଉପରେ ଥିଲା ଜିନିଷ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, ଆହୁରି ମାନେ ଫାର୍ମିଂ ଉପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ତୁମର ହେଉଛି କ'ଣ ସେଟା ଧାନଟା ରାଇସ୍ ଆଉ ହେଉଛି ବାର୍ଲି, ଏଇସବୁ କେମିତି ଚାଷ, ତ ଇଏ ମେଟେରିଆଲ ମେଟେରିଆଲ କଲଚର ଥିଲା ହିଁ ଥିଲା, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ଆମେ ଭୁଲ କରିଦେଇପାରିବା, ଏହାକୁ ହେଉଛି ମୁକ୍ତ କହିଛେ, ଡିଭଏଡ଼ କହିଦେଇଛି ଦେଖ। ଓକେ, ତ ସେଇପାଇଁ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଲିମିନେସନ୍ କଲି। ଦେନ୍ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିବା, ଏଇ ଯେ ସୋସିଆଲ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ୱାଚ୍ ନନ୍ ଟୁ ଏ ସଙ୍ଗମ ପୋଏଟ, ଓକେ ନନ୍ ଟୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା, ତ ମାନେ କହିବା କଥା ସେତେବେଳେ ଯେ ଗୁଡ଼ା ବି ଥିଲା, ତୁମେ ଦେଖିବ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମଟା ଯେଉଁଭଳିଆ ଥିଲା କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍, ଯଦି ଫୋର୍ ଫୋଲ୍ଡ ମୁଁ କହିବି ଫୋର୍ ଫୋଲ୍ଡ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ଟା, ତ ଇଏ ହେଉଛି ତାମିଲ ଯେଉଁ ଆନସିଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ତାମିଲ ସୋସାଇଟିକୁ ତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଥିଲା, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, ତ ଇଏ ଥିଲା, ଇଏ ପଏଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଆସିଯିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଇଏ ତ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆସିଯିବ ଏଇଠି କରେକ୍ଟ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ବି ପଢ଼ିଦେବା, ସଙ୍ଗମ ସଙ୍ଗମ ପୋଏମ୍ ଗୁଡ଼ା ନୋ ରିଫରେନ୍ସ ଟୁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ୱାରିଅର ଏଥିକ୍, ଆରେ ୱାର୍ ପୋଏମ୍ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ମୁଁ କହିଥିଲି ବି ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଯେଉଁମାନେ ବି ଲେକ୍ଚର ଦେଖିଥିବ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, ତ ୱାର୍ ପୋଏମ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୋତେ କୁହ, ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗମ ଲିଟରେଚର ଇଏ କହୁଛି ନୋ ରେଫରେନ୍ସ କହିଦେଇଛି, କିଛି ନାହିଁ, ନ ଯଦି ନ ହେଇଥାନ୍ତା ରେଫରେନ୍ସ କହିଥିଲେ ଠିକ୍ କହିଥାନ୍ତ। ଓକେ, ତ ୱାର୍ ପୋଏମ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ବି ପଚାରିବ ଯେତେବେଳେ ଯେ ସଙ୍ଗମ ସମୟରେ ଯେ ୱାର୍ ପୋଏମ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଦେଟ୍ ଯେ ପୁରମ ପୁରମ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ତ ଏ ଆଇ ଏମ୍ ପୁରମ ନି ପୁରମ, ଓକେ, ତ ଏ ହେଉଛି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ, ସଙ୍ଗମ ଲିଟରେଚର ରେଫର୍ସ ଟୁ ମେଜିକାଲ ଫୋର୍ସେସ୍ ଆର୍ ଇରେସନାଲ, ଇରେସନାଲ କେମିତି, ମେଜିକାଲ ଫୋର୍ସେସ୍ ସବୁବେଳେ ରହିଥିଲା, ମେଜିକାଲ ଫୋର୍ସେସ୍କୁ ବୋଇଲେ କେଉଁଗୁଡ଼ା ସଙ୍ଗମ ଲିଟରେଚର କୁହାଯାଉଥିଲା, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ରହୁଛି ପାର୍ଟିକୁଲାର ଟର୍ମ ଯଦି କହିବି ଆନ୍ନାଙ୍କୁ, ଆନ୍ନାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ତ ଇଏ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଲିଟରେଚର, ଆରେ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନିବେ ନା, ସେତେବେଳେ ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲଚରରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସୋସାଇଟିରେ ରିଚୁଆଲିଷ୍ଟିକ ସବୁ ଯେତିକି ବି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଗୀତ ଫିତ ହଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ପରଫର୍ମ ଚାଲିଥିଲା, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆମର ୱର୍ସିପ୍ କରାଯିବ ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ପଥରକୁ ରଖିକିନା କିମ୍ବା ମେଟେରିଆଲ ଷ୍ଟୋନ୍ ଉପରେ, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା, ତେଣୁ ମେଜିକାଲ ଫୋର୍ସ ଅଭିୟସ୍ଲି ଜଣେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ବି କହିପାରିବ ଲଜିକରେ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, ଦେନ୍ ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଏଠି ହେଉଛି କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ ସିମ୍ପୁଲ ହେଉଛି ୟୋଗା ବୈଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ବା ଯୋଗ ବୈଶିଷ୍ଟ କହିପାରୁ, ୱାଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେଡ଼୍ ଇନ୍ଟୁ ହେଉଛି ପର୍ସିଆନ୍, ତ ପର୍ସିଆନ୍ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଠିକ୍, ଏହାକୁ ପର୍ସିଆନ୍ ଭାଷାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ବାଇ ହେଉଛି କାହା ଦ୍ୱାରା, ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ପାନିପତି, ଓକେ, ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା, ତ କାହାର ରିଜନ୍ରେ କାହାର ସମୟରେ କରାଯାଇଥିଲା, ତ ଇଏ ହେଉଛି ମେନ୍ଲି ଯଦି ମୁଁ କହିବି କାହା ସମୟରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ହେଉଛି ଆକବର ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ଆକବର କ'ଣ ଜିନିଷଟା କରିଥିଲେ, ଇବାଦତଖାନା, ଇବାଦତଖାନା, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ତ ଇବାଦତଖାନା ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ଇଏ ଫତେପୁର ସିକ୍ରିଟାରେ ବୋଧେ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, ତ ଦେଖିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖା ଜାଣିଛ ଯଦି ଏଇ ଇବାଦତଖାନା ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ଆଇ ହେବ, ତ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଇଏ ମେନ୍ଲି ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେ କହିପାର, ତ ସେଠି ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ତ ସେଇଠି ମେନ୍ଲି ହେଉଛି ମକ୍ତବଖାନା ବି କହିପାର ତାକୁ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ବ୍ୟୁରୋରେ ବହୁତ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ତୁମର ମାନେ ଟେକ୍ସଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ପର୍ସିଆନ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରାହୋଇଥିଲା ବା ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେ 1500 ତୁମର ହେଉଛି 74 ପାଖାପାଖିରେ, ଠିକ୍ ନା, ତ ଏଇଠି ଯେ ଯୋଗ ବୈଶିଷ୍ଟ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିବା ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣଟା ଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗ ବୈଶିଷ୍ଟ ଇଏ ହେଉଛି ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଯେ ବେଦାନ୍ତିକ ବେଦାନ୍ତ ଫିଲୋସଫି ଜାଣିଥିବ, ତ ଏଇ ଯେ ବେଦାନ୍ତିକ ଫିଲୋସଫିର ଯେ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ତ ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ମାନେ ୱାନ୍ ଟେକ୍ କନଭର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଠିକ୍ ନା, ଇଏ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମେ ବି କହିପାରିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗ ବୈଶିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଆମର ରାମାୟଣର ଜାପାନିକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ବି ଇଏ କରାଯାଇଥିଲା, ଠିକ୍ ନା, ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଏହା ଉପରେ ଅଛି, ଆଇ ହୋପ୍ ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଲିଅର ରହିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତ ସେଟା ଆକବର ହେବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏଠି ହେଉଛି ସେ ପଚାରିଛି ଦେଖ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା, ସିମ୍ପଲ ହେଉଛି ରାମାନୁଜଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଟିଚିଂ ଉପରେ ହେଉଛି ରାମାନୁଜଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଆମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଓକେ, ତ ଏଇ ହେଉଛି କଥା, ରାମାନୁଜ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, ତ ରାମାନୁଜ କହିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ସାଲଭେସନ୍ ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ହେଉଛି ଡିଭୋସନ୍, ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, ତ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ। ଆଉ ରାମାନୁଜ କିଏ ଥିଲେ, ରାମାନୁଜ ଯିଏକି ଇଏ ପଚାରେ କିଏ, ଇଏ ହେଉଛି ଦୈତ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଭଳିଆ, ଦୈତ୍ୟବାଦ ନା ଅଦୈତ୍ୟବାଦ ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦିଆ ହେଇଥାଏ, ନା ନାହିଁ, କେଉଁ ଫିଲୋସଫିର ପଚାରିଦେବ, ତ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ କହିବ ବୈଶିଷ୍ଟ
ଦ୍ୱିତୀୟବାଦ ଯେଟା କୁହାଯାଏ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟବାଦ ଯେଟା କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ତ ଇଏ ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ବା ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଇଏ ହେଉଛି ମେନ୍ଲି। ଆଉ ଏଇ ପାଖାପାଖି ହେଉଛି ତୁମର ହଜାରେ କେତେରେ 17 ପାଖାପାଖି ନା ଦେଖିବ 18 ଇଏ ହେଉଛି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ କିଏ ରାମାନୁଜ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ କଥା ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ବୋଧେ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଇଏ ହେଉଛି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆରେ ତାଙ୍କ ମନେ ରଖିବାର ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ, ସେ ଲିବରେଟେଡ଼ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସୋସାଇଟିଟାକୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜେଣ୍ଡର ବେସିସ୍ରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ସବୁ ମାନେ ସାମାଜିକ ତୁମର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଥିଲା, ତ ସେ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ସେ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେଭଳିଆ ଦିଆଯିବ, ମାନେ ଆଇଦାର ହେଉଛି ଇନହ୍ୟୁମାନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେଭଳିଆ ନ ହେବ, ତ ତା ବେସିସ୍ରେ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇକିନା କାମ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇପାଇଁ ତାଙ୍କ ଟିଚିଂ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ୱିଲ୍ ବି ୟୋର୍ ମୋର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଏନ୍ସର ହେୟାର। ଆଇ ହୋପ୍ କ୍ଲିୟର ରହିଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଓକେ। ତ ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଦେଖ ସୋମନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଉପରେ କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଓକେ। ତ ପଚାରିଛି କ'ଣ କରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବ। ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ସୋମନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଇଜ୍ ଦ୍ୟ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ହେଉଛି କ'ଣ, ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ସାରାଇନ୍। ଆମର କେତେ 12ଟା ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ସାରାଇନ୍ରୁ, ଇଏ ଦେଖିବ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ସାରାଇନ୍ କୁହାଯାଏ ସୋମନାଥ ଟେମ୍ପୁଲକୁ, ଠିକ୍ ହେବ ପଏଣ୍ଟ, ଓକେ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବା ଅଫ୍ ହେଉଛି ସୋମନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ୱାଚ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ଆଲବେରୁନି। ତ ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲର ଆଗରୁ ଯେତେ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯାହା ସବୁ ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିଥିଲେ, ସେଇ ବୁକ୍ରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଏଭଳିଆ ଆଗରୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟିଟା କେଉଁଭଳିଆ ଥିଲା, ତ ସେଠି କେଉଁ ରୁଲର୍ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଥିଲା, କିମ୍ବା କେଉଁ ରୁଲର୍ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ସେଠି ମେନ୍ଲି ମନୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷର ଆମେ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଏସବୁ ଆମେ ପାଇପାରିଥାଉ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ତ ଏଠି ହେଉଛି ସେ କହିଛି ଆଲବେରୁନି ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମର ଆସିଥିଲେ ଆରମେନରୁ, କିଏ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ହେଉଛି ଆରବ ଟ୍ରାଭେଲର୍ଟା, ନା ନାହିଁ? ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଇଏ କହିଥିଲେ, ଇଏ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଏ, ତାଙ୍କ ଟେକ୍ସଟରୁ ତ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ ହେଇଥିଲା। ଆରେ କେତେ ଥର ଲୁଣ୍ଠନ ହେଇଥିଲା ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର? ତ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ବି କାହା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଥମ ଯଦି ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ, ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଇ ଯେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ ଆମେ ତ ଏମିତି କହିପାରିବାନି। ତ ଏଇ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଆଲବେରୁନି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେଇ ତାଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଆମେ ହେଉଛି ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା। ତ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ ମାର୍କ କର, ଏଠି ସେ କ'ଣ କହିଛି, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ସୋମନାଥ ମନ୍ ଟେମ୍ପୁଲରେ ଯେ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରାହେଇଥିଲା, ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେ ଟେମ୍ପୁଲରେ, ତ ଏହା ଡନ୍ ବାଇ କାହା ଦ୍ୱାରା, ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏସ୍ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଦ୍ୱାରା। ଇଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଇଗଲେ? ତ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ହେଉଛି କିଏ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ପାଖାପାଖି 1951ରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଇ ହୋପ୍ ଇଏ ହେଉଛି କ୍ଲିଅର୍ ରହିଲା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 1-2 ବି ମୋର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେୟାର। ଆଉ ବେସିକ୍ ବେସିକ୍ ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ପଚାରେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା କେଉଁଠି, ତ ଜୁନାଗଡ଼ ନେଇ ସରି ଆମର ଗୁଜୁରାଟରେ କହିପାର, ଜୁନାଗଡ଼ ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଦେଖିପାରୁ, ଜୁନାଗଡ଼ ଆଗରୁ ଥିଲା, ସେଇ ପାଖାପାଖି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ତ ଜୁନାଗଡ଼ରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଥିବ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ଆଉ 2024ରେ ସେ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ବି ଏ ଯେଉଁ 2000ରେ ଯେଉଁ କିଏ ତୁମ ଯେଉଁ ଆମର ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ତ ସେଇ ସମୟରେ କିଏ ଏଇଟା ଥିଲେ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଚାଲୁକ୍ୟ କିଙ୍ଗଟା ବି ତ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ତାକୁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡରେ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ତାପରେ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ମୁସଲିମ୍ ବି ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାରେ ହିଁ ତ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ ରିସୋର୍ସେସ୍ଫୁଲ୍ ଥିଲା। ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ, ଓକେ। ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ବି ସେଲ୍ ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି ସେ ଟି ସେଲ୍ ଉପରେ କଥା କହିଛି। ବି ସେଲ୍ ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି ଟି ସେଲ୍, ଦେଖ ପଢ଼ ତାକୁ, ଏବଂ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି ଉପରେ ସେ କଥା କହିଲା, ଓକେ। ତ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେ କହିଛି ଇଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିଥାଏ ବଡିକୁ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଯାହା ସବୁ ଆଲର୍ଜି ଯାହା ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି, ନା ନାହିଁ? ଇଏ ହେଉଛି ବଡି ପେନ୍ କିମ୍ବା ହେଉଛି ଇନ୍ଫ୍ଲେମେସନ୍ ଫୁଲି ଯାଇ ଯେଉଁ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ଦେନ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି, ଏକ୍ଟେ ଯେ ହେଉଛି ବଡି ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡିଜିଜ୍ କଜ୍ ବାଇ ପାଥୋଜେନ୍। ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଏଇଠି ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର 2ଟା କରେକ୍ଟ ହେବ, ଓକେ। ତ ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଆଚ୍ଛା ନହେଲେ ଦେଖ, ଏଇ ବି ସେଲ୍ ଟି ସେଲ୍ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନା, ସିମ୍ପୁଲ ଏଇ ଯେଉଁ ବି ସେଲ୍ଟା ଦେଖୁଛ ଯେଉଁଟା, ଇଏ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାଏ ତୁମର ହେଉଛି ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି, ଓକେ, ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି। ଆଉ ଯେଉଁ ଟି ସେଲ୍ଟା ଯଦି କଥା କହିବି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିଥାଏ କେଉଁଥିରୁ ନା, ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯଦି କହିବି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବଡ଼ିରେ, ଠିକ୍ ନା? ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯିଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ, ତୁମର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହେଉ, ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉ, କିମ୍ବା ଫଙ୍ଗିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉ, ଏଇସବୁରୁ ଇଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିଥାଏ ଟି ସେଲ୍ ଆମର ବଡ଼ିରେ। ଇଏ ହେଉଛି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାଏ କ'ଣ, ବି ସେଲ୍, ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଯଦି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥାଏ କହିଲେ ବି ସେଲ୍ କହିବ। ଆଣ୍ଟିବଡ଼ିର କାମ କ'ଣ, ଆମକୁ ହେଉଛି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରିଥାଏ ବଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ ଡିଜିଜ୍ ଉପରୁ, କିଭଳିଆ ରୋଗ ଆମର ବଡ଼ି
उपरे पोषण उपरे को ता प्रति से देखै थाई ठीक नानी। तो बहुत इंपोर्टेंट जिनस एठी कहि दउ छी नले टिके देखो ब्लड सेलर भी ओपीसी क्वेश्चन करे सब बले ठीक नानी। जेमति जदि मु कहबी ब्लड को तुमर छै दुई भाग रे रही थाई, गुटे होची प्लाज्मा रही थाई जेबडा कि तुमर कोडा फ्लूइड पार्ट को हमें कहिता आ सॉलिड पार्ट को ब्लड रो हमें कहिता ब्लड सेल कहिता बा सेलुलर पार्ट को ठीक नानी। एई जो ब्लड सेलुलर पार्ट हमें जहा भी रहला याको पुनी तीन भाग रे व्यक्त धर सपोज ये होची गुटे होची आरबीसी आसी जाए आ गोटे तुम्हारे होती डब्ल्यूबीसी आसी जाए आ गोटे तुम्हारे आसी जाए प्लेटलेट जो कौच आम ये पार्टिकुलर मुझ डब्ल्यूबीसी आउ जाऊन ये कि पार्टिकुलर डब्ल्यूबीसी जो कथ कह डब्ल्यूबीसी को पुणी आम रोचे विभिन्न प्रकार हो डिड कर शुणी थो मोनो साइट्स हो किंबा तुम रोचे जो कौन कह जाए न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट आ गोटे तुम बासोफिल ये लिम्फोसाइट कहले ये लिम्फोसाइट भितर तुम क्रिएट होता है एंटीबॉडी ओके। तो ये हूँ कथा तो मेनली हूँ तुम इम्पोर्टेंट जिनस ये के हूँ इम्यूनिटी दे थे वन टाइप ऑफ इन्फेक्शन के भाया भी नईपर कौन ना या पर रही थे ओके। ये बासोफिल जेटा ये भी क्वेश्चन आसी सारी या पर जेटा कि तुम हेपारिन नाम गोटे ये थाए जेटा कि तुम हूँ रक्त जमाट बांधे दिएनि बोली पचार क्वेश्चन पचारे ओके। तो ये हूँ कथा तो ये हूँ जी आम देखा तो तुम हूँ बॉडी मानने पार्टिकुलरली जी कह जो बी सेल जो क्रिएट हो बी सेल जो कौन टाइम क्रिएट हो क्रिएट कैर कहे आंटी बॉडी। तो ये एंटीबॉडी गुटा जोटा कि तुम हूँ बी लिम्फोसाइट भी कहींपर कौन पर लिम्फोसाइट कह बुझेगा तो ये मुझे बुझेली सब जिनसा आई होप क्लियर हो ठीक ना तो बेस्ट बेस्ट पॉइंट ये थिला। देन नेक्स्ट देखीदे नेक्स्ट कौन कह देख हाँ ये गोटे स्टेटमेंट दे कहारे ना नानो पार्टिकल गोटे स्टेटमेंट दिखाई ओके। तो बुझ तो नानो स्टेटमेंट ये दिखाई पचाराई अदर देन अदर सॉरी अदर देन मेड बाय हूँ ह्यूमन तो नानो पार्टिकल डो नॉट एक्जिस्ट हो इन नेचर अच्छा अच्छा। तो मेन मेन अपेक्षा जब मनीषकृत भाव में नईकिना नेचुराली भाव में यह सब एक्जिस्ट हुए नहीं कहे किए नानो पार्टिकल गुड़ा ओके। देन सेकंड पॉइंट जब देखा नानो पार्टिकल अफ हूँ सम मेटालिक ऑक्साइड्स आर यूज इन मैनुफैक्चर अफ सम कॉस्मेटिक रे सब यूज हो ठीक अच्छे पॉइंट किसी नहीं। देन नानो पार्टिकल अफ सम कमर्सील प्रडक्ट व्हिच इन द एंटर द एनवायरमेंट अनसेफ फॉर ह्यूमन हाँ ऑब्वियस आम तो सब गुटा जानी ठीक। तो किसी गुटा भी थी पारे भी एमती जिन जोटा कि आम हूँ ये रही था अच्छा नेचुराली देख नेचुराली हुए नहीं कही दीजिए आरे नेचुराली बहुत हुए जमीक जानी थोड़ा तुम रोचे कौटा जे वोल्केनिक आश गोटे ठीक वोल्केनिक आश गोटे मिले ठीक से भाया जब आम देखी थोड़ा तुम जो ओसेन स्प्रे हो कि ये सेंड डोन मानने सरी सेंड आज डस्ट गुड़ा ठीक ना ये भी बहुत मानने जगह पलिसींग गुड़ा फाइन्स गुड़ा तो से गुड़ा भी थे आहरी विभिन्न प्रकार बायोलॉजिकल मैटर गुड़ा भी यह सब मिले नेचुरली ओके। तो से पॉइंट को मुझे भूल कहली तो यह सब दुटा पॉइंट ठीक हम कारण कस्मेटिक्रे देख कस्मेटिक्रे शुनी थो जो तुम्हें दैट इज रोचे सिल्वर नानो पार्टिकल ठीक अच्छे गोल्ड नानो पार्टिकल आ गोटे तुम रोचे सिल्वर गोल्ड आ गोटे जिंक हाँ जिंक नानो पार्टिकल ठीक ना नहीं जिंक ऑक्साइड जो नानो पार्टिकल पार्टिकुलर कह गोटे आयरन ऑक्साइड नानो पार्टिकल यही गुड़ा मेनली देखिए आ गोटे कार्बन बेस्ड नानो पार्टिकल यही गुड़ा हूँ कस्मेटिक एरिया भी तुम यूजेस यूजेस होता है ओके। तो विभिन्न प्रकार ये सब जिन तुम रही था देन हूँ आनसेफ फॉर हूँ ह्यूमन ऑब्वियसली जो सिलिकाटा ये आनसेफ केमती हो सिलिका सिलिकाटा कह आलुमिनियमटा गोटे तुम रही था ठीक ना नहीं आहरी भी बहुत अच्छे ये सब आनसेफ रही था किसी प्रोब्लेम नहीं तो ये ऑप्शन देखा तो कौन हो कौन कहली वन भूल होगा वन भूल होगा वन भूल होगा तो टू थ्री आसो ऑप्शन नंबर डी ओके। आई होप ये क्लियर रहा ठीक ना बेसिक बेसिक जिनस कहीदे और पज करके निज तरफ एटेंड टे भी कर। तो ये आ गए कथ हो डीएनए बारकोडिंग बारकोड डीएनए बारकोड कहले कि ये भाई थे ठीक ना बारकोड बारकोड तो ये कहे डीएनए बारकोडिंग ये हूँ टूल यहाँ हूँ गोटे टूलटा जोटा कि कौन गोटे तुम्हें यूज करके प्रथम कहला हूँ आसेस दि एज अफ प्लांट एंड एनिमल कार्बन डेटिंग शुनी तुम्हें कार्बन डेटिंग जब वन टाइप मुझे कह देट जे रोचे तुम पर्टिकुलरली कह जाए कौन रेडियोमेट्रिक जे तुम डेटिंग अफ यूरेनियम कह जाए ना नहीं तो कार्बन 40 जेटी यूज होता है कार्बन 14 तो ये भूल हो स्टेटमेंट तेणुकना देखा जी देन हूँ ये जी आम देखा हूँ डिस्टिंग्विश करते कार्बन बार कोडिंग अच्छा बार कोडिंग कहले कौन बुझुच ये मोलिकुलर टेक्नोलॉजी गोटे
मोलिकुलर टेक्नोलॉजीटा जेटा कि एलाउ करिथाय को जिनसटा को एलाउ करिथाय केमतिका आमे बायोलॉजिकल स्पेसीज जे गुडा भी रहिछे ताको केम बडिया ताको भीतर आइडेंटिफिकेशन करिबा आमे तो ये जीनोम फिनोम सहित रिलेटेड अछि आ किछै तमे बुझत कि ओके तो ए होछि कथा तो एठी जदि आमे देखिबा ये पार्टिकुलरली ये स्पेसीज होछि लुक लाइक ठीक हेबो ये आइडेंटिफाई दा होछि तुमरो अनडिजर्वेबल एनिमल प्लांट मटेरियल होछि प्रोसेस फूड ये भी ठीक आसी जेबो किछै भूल नै ओके तो 2-3 मेनली होछि आमे देखिबा जदि एठी मोर एप्रोप्रिएट हेबो ओके तो ऑप्शन नंबर डी देन नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट होची इटे कोन कोआ जाउची देखो सिंपल क्वेश्चन रखा हिचे इटे होची एसिड रेन ऊपर तुमर क्वेश्चन रहिचे ओके तो एसिड रेन समस्त जानिचो केमते हेताई एसिड रेन टा जदि पोचारे केमते हेताई जो सल्फर तुमर होचे ई जो सल्फर डाइऑक्साइड टा आ होची जते बेले तुमर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो दुइटा रहला ई सल्फर ऑक्साइड आ नाइट्रोजन ऑक्साइड को जगह रो बारी थाई जते बेले हमर कोइला जळी जाय कोइला बर्न करा जाय किंबा तुमर पेट्रोलियम प्रोडक्ट सब रो ई सब रो निर्गत हेताई ठीक ना ने तो जते बेले ई दुइटा पार्टिकल कह केमिकल कंपाउंड गुड़ा कही पार तो ये जितेबले तुम वायु सहित कि तुम हो कौन वर्षा सहित वर्षार जो रेन वाटर सहित मुझे कह पार्टिकुलरली मिसीगलापुर एम कौन जिनसा प्रोड्यूस करते दुईटा ना प्रोड्यूस से करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड ओके H2SO4 देन हो गोटे हूँ नाइट्रिक एसिड तो एसिडिक फॉर्म को आसीगले किसी नहीं ठीक ना नहीं तो एसिडिक फॉर्म को जिते आसीगले तोटा आम एसिड रेन कही दूचे ये हूँ सिंपल कथा तो ये हूँ बेसिक बेसिक जिनस एसिड रेन के आमर इंडिया पार्टिकुलरली चिन्हट कर क्वेश्चन जानते दरकार तो ये हूँ मुझे कौन दुईटा हूँ गारम मल्ली ये दुईटा ही एनसर ओके तो आई होप हूँ ये कथा तो 2-4 ऑप्शन नंबर बी विल बी मोर एप्रोप्रिएट एनसर ओके आदि प्रथम थर जो मैंने चैनल को विजिट करता तो सब्सक्राइब करने भूलिबे नहीं ओके वीडियो केमती लगुच्छे कमेंट सेक्शन में लिखि जनइबे ठीक अच्छे आउ हूँ तुम जो टेस्ट सीरीज टूटा ताको भी मध्ये डिस्कस कर देबा आउ जे रिमेनिंग जहाँ भी पार्ट रहिबो आउ किछि किछि सेक्शनल मध्ये प्रोवाइड कर देबा मक ओके तो ठीक अच्छे थैंक्स फॉर वाचिंग।